एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का दिया गया है अगर उस सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें या किसी भी तरह से तो हमें आप आपको बताना है कि सिस्टम जो है कंसिस्टेंट होगा जिसका यूनिक सोल्यूशन होगा कंसिस्टेंट होगा जिसके मैनी सोल्यूशन होंगे या इनकंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट का मीनिंग नो सोल्यूशन या कंसिस्टेंट यह इन तीनों में से कोई सा ऑप्शन ट्रू नहीं है तो एक सिस्टम मान लेते हैं हम नॉन होमोजीनियस ए एक्स इक्वल्स टू बी इस टाइप से ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है और एक ए एक्स इक्वल्स टू जीरो होमोजीनियस सिस्टम होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है क्योंकि इसका एक सोल्यूशन जीरो 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 वैक्टर सोल्यूशन होता है और ये जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है इसमें तीनों ही पॉसिबिलिटी हैं कि ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है कंसिस्टेंट होगा तो उसमें क्या केस है कि यूनिक सोल्यूशन हो सकता है या मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं जिसको हम इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन या मैनी सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट का मीनिंग हुआ नो no सोल्यूशन ये नॉन होमोजीनियस के लिए कंसिस्टेंट ऑप्शन कहा है कंसिस्टेंट हैविंग अल्यूशन ये ऑप्शन ट्रू है कंसिस्टेंट हैविंग मैनी सोल्यूशन ये भी ट्रू है और इनकसिस्टेंट हैविंग नो सोल्यूशन ये भी पॉसिबिलिटी है इसका मीनिंग है जो राइट वन ऑप्शन है ऑल ऑफ दबो ऑप्शन डी विल करेक्ट तो यहां पर जो सुटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी होगा यानि की इस प्रॉब्लम के लिए जो की है ऑप्शन डी क्योंकि तीनों स्टेटमेंट ट्रू आ रही है इसलिए ऑल ऑफ दबोव